सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोना। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। भाई साहब कैसे हो आप सभी? तो यार अभी मैं सिद्धू मूसेवाले पाजी का ट्रैक का रिएक्शन करके ही हटा हूँ, जिस गाने का नाम था मेरा ना। ठीक है, तो जाके चेकआउट कर लेना अगर किसी को देखना है तो। और भाई अभी हम रिएक्शन करने आएंगे, थंबनेल टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा, भाई डिनो जेम्स ने अपना एक सिंगल ड्रॉप करा है। ठीक है, और भाई गाने का नाम होने वाला है बॉयफ्रेंड, एंड मैंने इसका कैप्शन पढ़ा, प्लीज़ आप भी जाके पढ़ लेना। इसमें मतलब और सारी चीज़ें बताई कि अगर जो एक बॉयफ्रेंड होता है उसकी क्या मतलब, उसके जो डर होते हैं, उसकी इनसिक्योरिटीज़ होती है, और जो टॉक्सिसिटी होती है वो किस लिए होती है, किन वजहों से होती है, और वो क्या चीज़ें फील करता है, क्या चीज़ें फेस करता है, तो सारी चीज़ है। और वैसे हमने डिनो जेम्स पर काफ़ी कम रिएक्शन करे, बट इसका करना जरूरी था क्योंकि लाइक जब हमने गर्लफ्रेंड सुना था, हैंडकॉक सुना था, और जो बाकी गाने आए थे सारे के सारे, क्योंकि हमने इसका टीज़र देखा था, भाई क्या गूज बम्स फीलिंग दे रहा था। तो भाई इस ट्रैक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होने वाला है, एंड ये उसका पार्ट वन है, तो इस मतलब मोस्ट प्रोबेबली हमें बॉयफ्रेंड गाने का पार्ट टू भी देखने को मिलेगा। सो भाई फालतू बात नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रैक को सुनने के लिए। म्यूज़िक वीडियो आई है, सो भाई मतलब हमें तुम ये कह सकते हो कि मतलब अपना टिपिकल डिनो जेम्स हमें इस ट्रैक में देखने को मिलेगा, कि हाँ डिनो जेम्स क्या है, किस लिए है, क्यों है, वो हमें इस ट्रैक में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है वो डिनो जेम्स का जोन है। यहाँ पे डिनो जेम्स को कोई कॉम्पिटिट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। सो यार फालतू बातें बाद में कर लेंगे, भाई रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। भाई बुक रीड करके भी फोन में देख रहा था, ऐसे पता लग रहा है। 6.5 मिनट का गाना भाई, डिनो जेम्स बॉयफ्रेंड फीचरिंग बिनफ्शा सुनावल्ला। ओके समझ आ रहा है। लगती कभी कुछ ज्यादा ही क्यूट, पर मैं एक स्मॉल टाउन लड़का, ये आई एम ट्राइंग टू बी द डूड। हां मैं जानता हूं अच्छे से कि वो ज्यादा है मासूम, पर पता नहीं मुझे खुद चीजों का क्यों चाहूं मैं प्रूफ। अच्छा लग रहा हूं ना, चेक करता रहता जब भी उसके साथ, कोई हंस तो नहीं रहा मुझ पे, उड़ा तो नहीं रहा मजाक, बस सहमा सहमा रह। क्या बताऊं अब इस चीज के बारे में कि भाई चेक करता तो सही तो नहीं लग रहा, शायद बुरा भाई फीलिंग्स भाई फेस किया यार। रहता हूँ और रहता हूँ घबराए, चाहता हूँ हर पल मुझसे बोले यू आर परफेक्ट गाय। कुछ गड़बड़ है हमेशा कहता रहता ये दिमाग, रहता क्वेश्चन मार्क और ढूंढू उसके कैरेक्टर पे दाग। हमेशा रखना चाहूँ पास और करता रहता हूँ शिनाक, पकड़ू मैं रंगे हाथ ढूंढता रहता हूँ मैं चांस। कैसे मेरे बिन समझ नहीं आता, हंस लेती है वो, मैं तो उसके बिन हर किसी को बस कह देता हूँ नो। भाई डिनो की वॉइस में जो एक रेज दिख रही है भाई, पूरी फीलिंग्स के साथ, लाइक अब ये जहाँ पे मैंने शॉट पोस्ट करा, इस शॉट को देखो भाई, ये चीज़ें नोटिस करने वाले। डिनो जेम्स की आंखों में मतलब लाइक इमोशनल है डिनो जेम्स, बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा है मैं इनके भाई की आंखों में। ओ भाई मतलब भाई क्या रेज है भाई वॉइस में, दिस इज डिनो जेम्स। और यार एक एक लाइन ट्रूथ है, एक एक लाइन हंस लेती है वो, मैं तो उसके बिन हर किसी को बस कह देता हूं नो। करता हूं उसको रोज, बस करता नहीं हूं मैं शो, मैसेज का वेट करता हूं ताकि मैं करता हूं इग्नोर। हम साथ हैं फिर भी लगता है तुझे करता हूं मैं चेस, कभी मुझे अपनी लगती कभी लगती है गेस। काश ये सारे ठेस तुझे बता पाऊं मैं बेब्स, आई विश तुझे रख पाऊं मैं सजा के इन अ केस। तुझे रखना मैं चाहूं दुनिया से महफूज, क्यों बन गया हूं मैं सहमा सजा सुस, क्यों खुद के लगाए इस आग से मुझे तू बचा ले। वीडियो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग है। ठीक है, क्यों अलग है, क्योंकि एक तरफ जो स्टोरी लाइनअप चल रहा है वहाँ पे हमें सारी चीज़ें अच्छे से पोर्ट्रे की जा रही है, कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, कैसे कैसे जो है मतलब वो फील कर रहा है, जो मतलब गाने का नाम बॉयफ्रेंड है तो ऑफकोर्स बॉयफ्रेंड क्या फील कर रहा है, और जो उनका जो लाइनअप है वो कैसे चल रहा है। एंड अनदर साइड जो डिनो जेम्स भाई है वो एक डार्क रूम में बैठे हुए कंप्यूटर, वो मतलब वो शोकेस करता तुम्हें कि भाई वो नज़र रखे हुए सारी उसकी चीज़ों के ऊपर, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है वो। तो भाई बहुत बहुत अच्छा माइंड सेट। करता हूँ कैसी भी अजीब सी स्टोरी में, करने लगा हूँ खुद से ही मुझूरी में, ये सुकून में करता हूँ तेरे हवाले। शायद भूल नहीं पा रही एक्स को और भुला नहीं पा रही पास, शायद अब भी उसके टच में है छुपा रही है कोई रास। उसके सामने नॉर्मल रहता हूँ, पहना रहता 100 मास्क, फिर इंस्टा में उसके घुस के करता रहता हूँ जांच।
भाई हाउ फकिंग रिलेटिव, हाउ फक भाई डीनो भाई तुमने सारे कांड कर रखे ऑलरेडी भाई, क्योंकि ये बंदा लिख ही नहीं सकता अगर उसने किया नहीं है भाई। हाउ फकिंग रिलेटेबल भाई, भाई हर बंदा फील करेगा। कमेंट्स में बताना किस किसने फील किया, किस किस के साथ हुआ है भाई। पहना रहता 100 मास्क, फिर इंस्टा में उसके घुस के करता रहता हूँ जांच, कोशिश करता रहता उसके फोन का कैसे खोलूं लॉक, फटके okay. हाथ में आ जाती है जब फोन आता है स्विच ऑफ, शी मस्ट बी राइडिंग में था बॉस ऐसे ख्वाब। ओ डीनो भाई पीसी में लगा के शायद कुछ फॉरगेट करने की सोच रहे थे। जाती है जब फोन आता है, ये देख रहे हो पीसी से वायर कनेक्ट है और निकाली है बॉस ऐसे ख्वाब देते ख्वाब, सुंगु चुपके सुमे उसके सारे पहने उतरे टॉप, हमेशा कहती मेरा भाई है वो हराम ज्यादा से, उसके मैसेजेस गलती से मैंने कर लिए थे रीड, हे सीट हैक कर लिया भाई डीनो भाई ने, हैक कर लिया। स्पीक वे डीनो गोस टू स्लीप, मुझ पे कर रही थी वो चीट वो हराम सादी बिच बिच, तन में हर शब्द है बस टेंशन जब पड़ जाए तू, कंफर्म है लौंडे हरदम कहेंगे भाई। ये पार्ट दोबारा सुनते आ जाओ, आ जाओ भाई बने जितनी लंबी वीडियो बने। मैसेजेस गलती से मैंने कर लिए थे रीड, हे सीट कैन वी स्पीक, अच्छा सीट से बात हो रही, कैन वी स्पीक व्हेन डी गोस टू स्लीप, मतलब डीनो गोस टू स्लीप या you are free, okay. When Dino goes to sleep, mujh pe kar rahi thi wo cheat, wo haram saadi bitch. Bitch. Tarman mein har shan hai, bas tension jab badhan jaye tu. Confirm hai londe har dam kahenge tere lae tu. Concern hai genuine hum dam tabhi to beta rahe tu. Masterpiece. Hai, brum, that's why main pee ke try tu. Man dhadan likhi. Main bola na bhai us shot mein Dino ki aankhon mein matlab tears the. Let's see bhai. Let's see. Ye sare granth usme hai dae tu. मंथन करता हूँ और सत्संग उसकी बजाय तू, कौन सिम खयालों के घर पर ये वापस आए क्यों, लक्षण है सब जन कहेंगे मुझे सारे साइको, मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों, बनाऊँ मैं सहमा सजा सुख क्यों, खुद के लगाए इस राग से मुझे तू बचा। भाई साहब डीनो का कैमरा प्रेजेंस देख के मेरे को बहुत मतलब एकदम से गूज बम आया यार, और ऑफ कोर्स याद है इस शॉट में डीनो ने अपना भाई पूरा फ्रस्ट्रेशन पूरा गुस्सा और जो भी उनके अंदर की भड़क भाई वो शूट किया, अगर ना ऐसी रेज ऐसी एनर्जी नहीं आती है इतने जल्द शूट टाइम पे भाई, लेजेंड भाई गूज बम्स। डीनो का रेज तुम दोबारा से देखना देखना बस भाई दे। और पता है यार जब से मार्वल वगैरह देखना चालू किया ना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो उसमें क्या होता है हर छोटी सी छोटी चीज़ में हमें हिडन डिटेल्स ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं, तो अपना आदत होगी कि पूरी वीडियो जो भी चल रही है आंखों के सामने उसमें चीज़ें नोट करने का। अब जैसे मैंने कल डिवाइन की जो ट्रैफिक जैम की रिएक्शन नोट करी थी उसमें भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें नोट करी थी, जाके चेकआउट कर लेना। बाकी फेस पे इमोशंस, चेक दिस आउट, गाना खत्म है यहाँ पे। थोड़ी सी स्टोरी दिखाएंगे मेरे ख्याल से, डोंट से बंदे ने सुसाइड किया, डोंट से ब्रो। डीनो मैं तेरे को सारी रात फोन ट्राई कर रहा था, कहाँ गई थी तू? I slept early babe, पर सुबह से तू पी रहा है क्यों? चल साली। ओ भाई गाने मतलब एज अ राइमिंग गाने की टोन में ये बात था, कन्वर्सेशन चल रही है। I slept early babe, पर सुबह से तू पी रहा है क्यों? चल साली प्रोस्ट दूर रह मुझसे सब। साली प्रोस्टिट्यूट, ओके बेसिकली आर बिना तू। अरे पर हुआ क्या है? What the fuck is wrong with you? बताओ इनके प्यार में पड़ा था और ये खेल रही थी गेम्स। What? मेरे नाम से जोड़ा नेम और कहीं और हो रहे कपड़े चेंज। Shut the fuck up! Do you even know what you're saying? You shut the fuck up! मेरा नाम अपने मुंह से लेना नहीं अगेन। अरे पर हुआ क्या है? मुझे एटलीस्ट बताएगा क्या तू? तेरा फोन देखा, सिड के साथ मस्त मचा रही है ना तू? Oh my God! और देखा सामने आई क्या ना बेटा एंड में ट्रूथ, अच्छा करता होगा स्मूच और तू भेज रही होगी न्यूज़। I can't believe it. सिड मेरा भाई है। अच्छा भाई के साथ में सोकर आई है, सही है बेटा सही है। Shut up! Shut up! Shut up! तेरी सोच कितनी घटिया है तू, कर रहा है छे। You know what? तेरी गलती नहीं है, it's really
not your fault. तुम सारे साले same हो. Damn you, fuck you all. मुझे तेरी सोच पे जाने क्यों तरस आता है दी? You don't need a fucking partner. You need a fucking doll. तेरे बाप दादा ने डाली है तेरे अंदर गंदी सोच. बस यही तुम्हारा make है. This is your gender code. Now don't you fucking touch me. Leave me, मुझे छोड़. तेरे शक और insecurity का नहीं है कोई तोड़. Girls को product समझते हैं almost सारे men. पर तू तो एकदम परफेक्ट था ना, 10 out of 10. मतलब जो भी तूने किया था वो करा था प्रिटेंड. मैं पागल थी जो सोच रही थी कि माय डी इज डिफरेंट. हाँ मैं सच्चे रात भर चुपके चुपके बातें करती थी. तुझे प्रपोज करने का आइडिया कोई लग नहीं रहा था ठीक. पर तू शक में इतना अंधा था ऑब्वियसली यू कांट सी कि घर पे मैंने बोल दिया है विल यू मैरी मी. सीन फ्लिप भाई, सीन फ्लिप, सीन भाई, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो है वो क्रिएट करा भाई डिनो जेम्स में. मतलब मैं बता रहा हूँ क्या क्रिएट करा. सो भाई ट्रैक होता है ख़त्म और ये एक जर्नी थी भाई, ये ट्रूली एक जर्नी थी जो हमने फेस करी है. बेसिकली हमें गाने के शुरू में दिखाया गया बेसिकली 3rd-4th part तक की जो सारी चीज़ें हैं वो एज अ मतलब लड़की की तरफ से चल रही कि वो क्या चीज़ें फील करते हैं कैसे क्या. और जो होता भी है रियलिटी में, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा, बट एंड ऑफ द डे पता लगता है कि नहीं हम गलत थे. ठीक है, मतलब वो कुछ और ही सीन चल रहा था. लेकिन ऐसे हर किसी का सिनेरियो अलग होता है, क्या पता बंदा सही है और क्या पता लड़की सही. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तभी इसका पार्ट वन रखा. पार्ट टू में हमें बाकी सारी चीज़ें पता लगेगी क्या चीज़ हुआ क्या चीज़ नहीं हुआ. एंड उसके आगे क्या पता फिर हमें भाई एक और सस्पेंस देखने को मिले, फिर हमें स्टोरी जो है फ्लिप देखने को मिले. मतलब यहाँ तक क्लियर था कि लड़का जो करता है वो सारी चीज़, देन पता लगता है भाई ये वो लड़की बातें भी बिल्कुल एक्यूरेट है. ठीक है, होता है, देखा है मैंने, एक्यूरेट थी एकदम सारी चीज़ें. मतलब टॉप नॉच भाई वीडियो प्रोडक्शन क्या कर रखा है. और ये जो ऊपर से जो लास्ट का पार्ट था ना भाई, जो कन्वर्सेशन चली है थ्रू यूजिंग रैप यूजिंग म्यूजिक भाई, वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लगी मेरे को भाई. राइमिंग बैठा बैठा के कन्वर्सेशन हुई है. सो दिस गॉज क्रेजी भाई. मतलब मैंने ऐसी चीज़ अभी तक बिल्कुल भी नहीं सुनी है, टू बी ऑनेस्ट नहीं सुनी है. सो भाई डिनो जेम्स दिल से भाई, मतलब पूरा दिल तुम ले लो आज मेरा भाई, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी. और मतलब व्यूज़ अटक चुके हैं भाई, यहाँ पे मेरे को 40K लाइक्स दिख रहे हो, 20K व्यूज़ दिख रहे हैं. मतलब ऑलरेडी मतलब व्यूज़ पहुँच चुके हैं 1-1.5 lakh. ठीक है, या ज़्यादा ही. सो भाई इस वीडियो करते हैं पेंड, आपके क्या व्यूज़ सारे बताना, बाकी हम और भी बात करेंगे इसके पार्ट टू में. आई होप अब सो हमें जल्दी देखने को मिले, बस ज़्यादा डिले ना हो यार, क्योंकि डिनो जेम्स के थोड़े गाने में लेट देखने को मिलता है, लेकिन मास्टरपीस देखने को मिलता है भाई. ये मास्टरपीस है, मानो या ना मानो कमेंट से बताना. बाकी इस वीडियो के लिए था भाई, वीडियो को लाइक करके आना, चैनल को सब्सक्राइब करके आना. अगर वीडियो पसंद आई हो तो आज के लिए बस इतना ही. टाटा बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल.